हेलो फ्रेंड, आज परवल की बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल फ्राई तैयार करेंगे, जिसे आप दाल चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसके लिए परवल जो है हाफ के जी लिया है, और बिल्कुल परवल ताज़े होने चाहिए और नाजुक वाले होने चाहिए, यानी कि जो मोटे होते हैं, बीज ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, वो सही नहीं होगा फ्राई के लिए। तो चाकू से बिल्कुल पतला छिलका उतार लिया है और धो लिया है, और अब इसे इसे लंबे टुकड़ों में कट करेंगे। एक बार कट किया है और फिर एक कट्स को इस तरह से 3 टुकड़ों में काट लेंगे। तो इस तरह से सभी को काट कर तैयार करेंगे। तो तैयार हो गया है। इस तरह के जो टुकड़े होते हैं आसानी से पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो एक दूसरे बर्तन में डाल दिया है और फिर सिर्फ हल्दी डाला है हाफ टी स्पून, मिक्स करके ढक करके 5 मिनट रखेंगे। करीब 3 टेबल स्पून तेल गरम किया है, मस्टर्ड ऑयल, और डायरेक्ट ही डाल दिया है परवल को, और इसे फ्राई करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे फ्राई करना है। तो बीच बीच में इसे ढक भी देना है और फिर चलाना भी है। तो इसे फ्राई करते हुए करीब 7 मिनट हो चुके हैं, और इस तरह से हो चुका है। तो सिर्फ डालेंगे गोल मिर्च और जीरा हाफ टी स्पून करके, मिला लेते हैं। और इसके बाद नमक स्वाद अनुसार, नमक इसलिए बाद में डाला ताकि शुरू में आप डालते तो पानी ज़्यादा निकल जाता और जो परवल की फ्राई होती वो सौगी हो जाता। और अब जो है ये लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, 5-6 लहसुन की कलियाँ और 5-6 नहीं 3 या 4 ही हरी मिर्च लेकर के बारीक पीस करके डाल दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम में करीब 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे या भुनेंगे इस तरह से, तो तैयार हो जाएगा। तो 5 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ये इतना मज़ेदार लगता है कि बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे, और बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं। तो निकाल लेते हैं प्लेट में। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अभी परवल का फुल सीज़न है, यानी इस मौसम में सबसे ज़्यादा मिलता है, पाया जाता है मार्केट में। तो रेसिपी पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए।